सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला ढाका में खेला जा रहा है। दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है। इस मैच में बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 227 रन बनाए, इसके जवाब में टीम इंडिया ने 314 रन बनाए और पहली पारी के आधार पर 87 रन की बढ़त ली। दूसरी पारी में बांग्लादेश ने बिना कोई विकेट गंवाए 7 रन बना लिए हैं। भारत के पास अभी भी 80 रन की बढ़त है। मैच में अब तक क्या हुआ? टॉस जीतकर सबसे पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने अच्छी शुरुआत की और पहले विकेट के लिए नजमुल हसन और जाकिर की जोड़ी ने 39 रन जोड़े। 12 साल बाद टेस्ट में वापसी करने वाले जयदेव उनादकट ने भारत को पहली सफलता दिलाई। उन्होंने जाकिर हसन को लोकेश राहुल के हाथों कैच कराया। इसके 3 गेंद बाद ही अश्विन ने शांतो को पवेलियन भेज दिया। मोमिनुल और कप्तान शाकिब ने तीसरे विकेट के लिए 43 रन की साझेदारी की। उमेश ने शाकिब को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। इसके बाद बांग्लादेश की टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती रही। मोमिनुल एक छोर पर जमे रहे लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे। मोमिनुल ने कई बल्लेबाजों के साथ 40 रन से ज़्यादा की साझेदारी की लेकिन अर्धशतकीय साझेदारी नहीं कर सके। बांग्लादेश के सबसे ज़्यादा रन 84 रन मोमिनुल हक ने बनाए। 26 रन बनाने वाले रहीम टीम के दूसरे सबसे सफल बल्लेबाज रहे। लिटन दास ने 25 और शांतो ने 24 रन की पारी खेली। भारत के लिए उमेश यादव और रविचंद्रन अश्विन ने 4-4 विकेट लिए, वहीं जयदेव उनादकट को 2 विकेट मिले। अंत में बांग्लादेश की टीम 227 रन पर सिमट गई। भारत की पारी में क्या हुआ? बांग्लादेश के 227 रन के जवाब में भारत की शुरुआत कुछ खास नहीं थी। कप्तान लोकेश राहुल 10 रन बनाकर आउट हो गए। शुभमन गिल 20 रन पर आउट हुए। चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 94 रन पर भारत के 4 विकेट गिर गए थे। इनमें से शुरुआती 3 विकेट तेजुल इस्लाम ने लिए थे और टीम इंडिया को मुश्किल में डाल दिया था। इसके बाद श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत ने भारतीय पारी को संभाला। दोनों के बीच 5वें विकेट के लिए 159 रन की साझेदारी हुई। हालांकि दोनों ही खिलाड़ी शतक से चूक गए। पंत ने 105 गेंद में 93 और अय्यर ने 105 गेंद में 87 रन बनाए। इन दोनों ने भारत का स्कोर 4 विकेट पर 94 रन से 5 विकेट पर 235 रन तक पहुंचाया। हालांकि पंत के आउट होते ही भारतीय पारी लड़खड़ा गई। भारत ने अपने आखिरी 6 विकेट 62 रन के अंदर पर गंवा दिए। इस मैच में भारत के पिछले बल्लेबाज कुछ खास कर नहीं पाए। बांग्लादेश के शाकिब अल हसन और तेजुल इस्लाम ने 4-4 विकेट लिए। तस्कीन अहमद और मेहंदी हसन मिराज को 1-1 विकेट मिला। बांग्लादेश ने दूसरी पारी में बिना कोई विकेट गंवाए 7 रन बना लिए हैं। भारत के पास अभी भी 80 रन की बढ़त है। बांग्लादेश के जाकिर हसन और शांतो क्रीज पर मौजूद हैं।